आई एम साक्षी, वेलकम टू आवर चैनल, जहां हम लाते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ खास अपडेट। जैसा कि आपको बता दें कि कोरोना के कहर के बीच हॉलीवुड फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 9 ने महज 2 दिन में $127 मिलियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके सबको हैरान कर दिया है। विन डीजल की फिल्म F9 ने कमाई के मामले में फिल्म गॉडज़िला वर्सेस किंग कॉन्ग और टेनेट का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस वीकेंड तक इसका कलेक्शन करीबन $160 मिलियन तक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। यहां तक कि F9 ने गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसे देख बॉलीवुड की बाछें खिल गई हैं। इससे एक उम्मीद जगी है कि उनके भी अच्छे दिन जल्द लौट आएंगे। बता दें कि फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 9 की कमाई का ये आंकड़ा केवल 8 देशों में हुए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का है। ज़रा सोचिए, अमेरिका और भारत में इसकी रिलीज के बाद क्या होगा। बता दें चले कि हॉलीवुड के हल्क विन डीजल की ये फिल्म महामारी में भी कई बड़े रिकॉर्ड बना चुकी है और भविष्य में भी बनाने वाली है। केवल चीन की ही बात करें तो यहाँ रिलीज होने के बाद फिल्म ने महज 2 दिन में $105 मिलियन की कमाई की है, जो इसके कुल कलेक्शन का सबसे बड़ा हिस्सा है। यहाँ महामारी के दौरान इतनी अच्छी शुरुआत करने वाली ये सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। इससे पहले हॉलीवुड फिल्म गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग ने बॉक्स ऑफिस पर सर्वाधिक कलेक्शन किया था। बताते चले कि एडम विंगार्ड की फिल्म गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग ने भी कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया था। फिल्म ने $390 मिलियन यानी करीबन 29 अरब रुपये की कमाई की थी। इसमें भारत में करीब 50 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है। इस फिल्म ने विदेश में $309.7 मिलियन की कमाई की थी। इसने सबसे अधिक कमाई चीन में की थी। चीन के बॉक्स ऑफिस पर इसकी कुल कमाई $177.38 मिलियन दर्ज की गई है। इस तरह इस फिल्म ने क्रिस्टोफर नोलन की टेनेट को कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है। कोरोना काल में ही रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म टेनेट ने बॉक्स ऑफिस पर कुल $365 मिलियन की कमाई की थी। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड अपडेट।